हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है और आप लोग आधार कार्ड के जरिए पैसे को भेजना चाहते हो तो कैसे पैसे भेज सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे को भेजना चाह रहे हो, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे, वीडियो ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे आप लोग फ़ोन पे, ठीक है। फ़ोन पे टाइप करेंगे और आप लोगों को फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से आपको ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं अपना राइट करता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद इस नंबर पे एक ओटीपी आता है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, फॉरगेट पासवर्ड, ट्राई अनदर वाई, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे और इस नंबर पे फिर से आपका ओटीपी भेजा जाएगा। आपकी सिम इसी में रजिस्टर्ड होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, नहीं होती है तो आप लोगों को मैनुअल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको अलाउ करेंगे, परमिशन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हो, जैसा कि आप लोग, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल मिलती है, आपको इस पर टच करना होगा। टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हो। नहीं मिलता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है व्यू ऑल पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का सेक्शन मिलता है, इस पर आपको टच करना होगा। टच करने के बाद आपके नंबर पे जो बैंक एक्टिवेट होती है वो आपको देख लेना होगा, ठीक है। तो मेरे नंबर पे SBI है या फिर बैंक इंसुलेंट है, मैं यहाँ पे इंसुलेंट बैंक को सर्च करता हूँ, ठीक है। और उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसके टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इंसुलेंट बैंक मेरे यहाँ पर सक्सेस हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट पिन का, नहीं मिलता है तो सेट पिन का मिलता है, तो सेट पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने मिलता है आपके सामने दो ऑप्शन, ठीक है। एक मिलता है आधार कार्ड और एक मिलता है डेबिट कार्ड एंड ATM कार्ड। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड के जरिए आप लोग UPI पिन बनाकर के सेट कर सकते हो और इसके बाद अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे को भेज सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखने को मिलता है वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पे देखने को मिलता है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑन आधार कार्ड, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड नंबर के यहाँ पे डालने होंगे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, जैसे मैं स्क्रीन पर मैंशन करा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आप वेट करेंगे। इस नंबर पे जो आपका आधार कार्ड पे नंबर लगा होता है, ओटीपी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाता है, बैंक का भी ओटीपी यहाँ पे आ जाता है, इसको भी राइट करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेट 6 डिजिट UPI पिन का। तो आप लोग अपने मर्जी से कोई भी पिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, राइट करेंगे। इसके द्वारा से बोलता है कंफर्म 6 डिजिट UPI पिन, तो आपको दोबारा से आप फिल करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका राइट करेंगे। राइट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपका UPI पिन सक्सेस हो जाता है। इसके बाद इसको डन करेंगे। डन करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप प्रोसेस समझाते हैं कि बैंक में पैसे को कैसे भेज सकते हो दूसरे के में, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड दिखा देता हूँ। बैक करने के बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन देखने को मिलता है टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। टू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है प्लस वाला आइकन, प्लस पर क्लिक करेंगे। प्रेस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो उसमें जिस बैंक के अकाउंट में भेजना चाह रहे हो वह सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च बाई बैंक नेम पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखने मिलता तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मेरे यहाँ पे देखने मिल जाए तो सिलेक्ट किया। इसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे,
अगर आप लोग अकाउंट नंबर से भेजना चाह रहे हो तो अकाउंट नंबर से यहाँ से भी भेज सकते हो, नहीं भेज पा रहे हो तो बार कोड के जरिए या फिर फ़ोन नंबर के जरिए वो भी प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो भी आपका अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर, उनका होल्डर नेम यहाँ पे आ जाता है, उनका नेम जो अकाउंट में लगा होता है यहाँ पे शो होता है, जैसे मिस्टर या फिर मिसेस। इसके बाद अपना नाम आ जाता है। इसके बाद ऑप्शनल में जो भी नाम सर्च करना चाहते हो सर वहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखना है प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद आप लोग जितना अमाउंट सर इनको भेजना चाह रहे हो यहाँ पे भेज सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 10 रुपये को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद आप लोग कितना अमाउंट भेजना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ 10 रुपये भेज दिए। इसके बाद यू पी आई पिन आपने जो बनाया था वो आपको यू पी आई पिन डालेंगे, ठीक है। इसके बाद राइट करेंगे। राइट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे यू पी आई पिन के जरिए मैंने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, ठीक है। इसके बाद आप दिखा देते हैं आप लोगों को बार कोड के जरिए, जैसा कि आप लोग बार कोड के जरिए भी पैसे भेज सकते हो। तो मैं बैक करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा, इस QR कोड को सर्च करिएगा और आप लोग उनका नंबर यहाँ पे इसे QR कोड निकालिएगा और सर्च करिएगा, ठीक है। QR कोड से भी आप लोग पैसे भेज सकते हो। अगर इससे नहीं पैसे भेज पा रहे तो यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट इस पर क्लिक करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। यहाँ पे देखने मिलता है न्यू पेमेंट, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका नंबर डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर डालने के बाद जितना चाहो उतना यहाँ पे पेमेंट उनको भेज सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग पेमेंट इनको भेज सकते हो। फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग पूरा प्रोसेस समझा दिया आधार कार्ड से पैसे को कैसे भेज सकते हैं दूसरे के अकाउंट में या फिर दूसरे के फ़ोन नंबर के माध्यम से, ठीक है। तो तीनों के तीनों प्रोसेस मैंने समझा दिए। तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आ रही हो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।